बात हो रही है भूतों की। पिछोर नगर पंचायत के कालिंद्री में बना आदिवासी छात्रावास भूत के खौफ से खाली हो गया। जी हां, यहां एक छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ी, उसके बाद कुछ अजीब घटनाओं ने छात्री नहीं खुद यहां के अधीक्षक को डरा दिया। डबरा संवाददाता की खास रिपोर्ट। इंटरमीडिएट का छात्र रामू जब से छात्रावास से लौटा है कुछ ऐसे ही गुमसुम है, किसी सवाल का जवाब नहीं देता, चेहरे पर एक खौफ। घर वाले डॉक्टर से लेकर तांत्रिक ओझा सबको दिखा चुके हैं, लेकिन ये अभी भी अचानक किलकारी मारने लगता है। आप हैरान रह जाएंगे, रामू की इस हालत की वजह कोई बीमारी नहीं बल्कि छात्रावास में उसे मिला भूत है। छात्रावास में भूत से मुठभेड़, छात्र पर अब तक है असर। सुनाई देती हैं अजीब आवाजें, हॉस्टल छोड़ भाग गए छात्र। क्या छात्रावास में है प्रेतात्मा? रामू से मिलकर हम भी पहुंचे पिछोर नगर पंचायत के कालिंद्री, जहां बना है आदिम जाति कल्याण विभाग का इंटरमीडिएट छात्रावास। कस्बे से बाहर की तरफ बने इस छात्रावास को हमने बड़ा समझा बुझाकर कर्मचारी को बुलाकर खुलवाया। अंदर पूरी तरह सन्नाटा, छात्रों के बिस्तर खाली। पता चला गुरुवार को यहीं रामू गेट पर गिर गया और चीखने लगा। चीख पुकार सुन पास पड़ोस में रहने वाले निवासी भी बाहर आ गए। मैं इधर को खींच रहा कोई मेरे को, तो मैं इधर को खींचू मेरे को। उसके बाद मैं वो आया और मैंने कहा तो उसके बाद में उसको किलकारी बनने लगी खूब जोर से ताकत से। उसके बाद में फिर हम लोग आए जल्दी, सब छात्र वो अधीक्षक भी आए। ऐसे में क्या हुआ उस पर भी डर आ गया, पर अधीक्षक साहब भी डरप गए एकदम। बाकी बाद में सब लोग उस दोस्त लड़के के पीछे चले गए उसको ठीक कराए, लेकिन वो ठीक नहीं, अभी तक ठीक नहीं है। बच्चों का ठीक न चिल्लाना मतलब सुना था हमने, बाद में हमने सुन के आए तो देखा तो यहाँ बच्चे को ये चिल्ला रहा था, बोले भूत लग गया इसे, और जो है भूत की वजह से वो सारे बच्चे डर के मारे भाग गए। भूत का छात्रावास पर कब्जा, किसी के रोने की आती है आवाज, आसपास महसूस होता है साया, अपने आप बंद होते हैं दरवाजे। घटना के बाद सुबह ही बाकी छात्रों ने घर की राह ली। कुल दो छात्र बचे थे, उन्हें भी शुक्रवार रात भूत की आवाजों और गतिविधियों ने परेशान कर दिया और वो रात को ही छात्रावास कर्मचारी के साथ भाग निकले। अचानक गिर लग गो, हवा यहाँ ली सी हम भैया, खाना खा रहे 9 बजे का, 9 बजे आवाज बिल्कुल रोते रोते वक्त खूब गाड़ी, यानी कोई खा लो तो खा रहा है बिल्कुल आगे, बिल्कुल मारते ही है आवाज आई। इस तरह की आवाज आते हुए एकदम गेट को धड़क दो, उधर भाग सीधे बाहर गिरी, सीधे मोटरसाइकिल रखे तू हो गए। हमने अभी तक तुरंत कॉल किया सर, ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने की ऐसी बात है तो दोनों छात्रों को लेके तुम निकल जाओ। तो हम डबरा निकल गए उस बात में। तो क्या क्या मानते हो तुम यहाँ के चक्कर है, क्या क्या मानते हो? सर इसमें बहुत बड़ा भूतावास है, आज ही वो लड़का परेशान, कल से 24 घंटे हो गए आज परेशान हो। तू हैरत की बात है कि पहली घटना के दिन यहाँ के अधीक्षक भी मौजूद थे और डर की वजह से रात को ही निकल गए, दूसरे दिन आए ही नहीं। रात में छात्रों ने फोन किया तब भी टाल गए। यही नहीं, वो खुद मानते हैं कि उन्होंने छात्रों को जाने की सलाह दी। क्या बच्चे ही अब इतने ज्यादा भयभीत हो रहे, तो मैंने कहा कुछ नुकसान ना हो, मैंने कहा जो डर रहे हो मैंने कहा वो घर जा सकते हो, नहीं डर रहे हो प्रेम से यहाँ रहो, चौकीदार साथ में लेट रहा है, फिर भी अगर कोई परेशान हो तो। छात्रावास से लगा देवी स्थान,
बाउंड्री वॉल बनाने से आत्मा नाराज, ले चुकी है एक जान। क्या पनप रहा है अंधविश्वास? इस छात्रावास से जुड़ी कहानी भी है। कहते हैं इसकी बाउंड्री वॉल बनवाने के लिए एक खंडहरनुमा देवी स्थान को तोड़ा गया था और उसके बाद तत्कालीन अधीक्षक के पुत्र की असमय मौत हो गई। सती माँ का मंदिर था, पुराना खंडर मंदिर था, उसमें जो है बाउंड्री खुदवा करके बनवा ली उन्होंने। हो सकता है कि प्राचीन समय का कोई भूतावास वहाँ आज जागरूक हुआ हो। गाते रहे बजाते रहे, रात में गा रही सुबह हमने सब भग गए। क्यों भग गए, क्या बताया था? कोई नहीं, बच्चा था, बच्चा कर कर भूत का हो गया है। आपने बताया पूर्व अधीक्षक के उनका बच्चा भी खत्म हो गया ना? क्या हुआ? अरे उन्होंने बाउंड्री उनका स्थान तोड़वा दिया, उनका बच्चा खत्म हो गया। बस किनका स्थान बना हुआ था? उनका पहले जब छात्रावास जब यहाँ नहीं बना हुआ था तब यहाँ कोई स्थान हुआ करता था, साइड में है आगे। जब खुद अधीक्षक महोदय और छात्रावास कर्मियों पर भूत का खौफ छाया है तो फिर छात्रों का क्या हाल होगा? फिलहाल आदिवासी छात्रों को सुविधा देने वाला ये छात्रावास भूत बंगला बन गया है। देखना यह है कि आला अधिकारी और प्रशासन भूत भगाने के लिए क्या करता है। समय के लिए डबरा से सलील श्रीवास्तव। और शिवपुर में एक गांव ऐसा है जहां लाखों की लागत से बना स्कूल का भवन पिछले 10 सालों से बच्चों की राह देख रहा है। सब कुछ होने के बाद भी बच्चे पुराने और जर्जर हो चुके स्कूल भवन में पढ़ाई कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा, देखिए। श्योपुर के मालीपुरा गांव में लाखों की लागत से बना प्राथमिक माध्यमिक स्कूल पिछले 10 साल से बच्चों का इंतजार कर रहा है। नई बिल्डिंग बनने के बावजूद बच्चे पुराने जर्जर हो चुके स्कूल में ही पढ़ाई कर रहे हैं। कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थी इतनी कम जगह में ही दिक्कत से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों और अभिभावकों का मानना है कि स्कूल की नई बिल्डिंग में भूतों का साया है। यहाँ से तरह तरह की अजीब आवाजें आती हैं। कारण स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र दोनों ही शमशान की भूमि पर बनाए गए हैं। यहाँ आए दिन अंतिम संस्कार होते हैं। गांव वालों के विरोध के बावजूद शमशान की भूमि पर दोनों बिल्डिंगे खड़ी कर दी गयी। वहाँ सर शमशान से पास ही डर लगा, ये बार तो एक लड़कों ने बंद कर दियो, मैं पेशाब कर बैठी हूँ जी। अच्छा, आवाज आवे इनको छुड़ी ले नाचे, ऐसा के बच्चा बच्ची तो कोई नहीं जाना चाहता, कोई नहीं जावे, बच्चा बच्ची छोड़ कोई नहीं जाओ, मैं कहा भी नहीं जाओ। हमने सरपंच सेक्रेटरी से भी मना करा था कि भाई यहाँ बिल्डिंग मत बनाओ। मीडिया में मामला सामने आने के बाद अधिकारी पड़ताल की बात कर रहे हैं। भूत के संबंध में क्या वास्तविकता है या क्या अफवाह फैलाई गई है, इसको देख के उस गांव में अधिकारियों को भेज के बच्चों और उनके पालकों को जागरूक किया जाएगा ताकि वो जाके नए भवन में कक्षाओं में बैठें और भवन की सुविधा का लाभ। प्रशासन ने पहली गलती तो शमशान की भूमि पर स्कूल बनाकर कर दी। अब प्रशासन के सामने लोगों के मन से भूतों का डर निकालने की चुनौती है। फिलहाल सवाल बना हुआ है कि लाखों की लागत से बना ये स्कूल नौनिहालों की आवाजों से कब गूंजेगा। समय के लिए श्योपुर से खेमराज दुबे। तो अब तक आपने भूतों की तमाम खबरें देख ली, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि ये भूत हमेशा स्कूलों में ही क्यों आते हैं, कहीं और क्यों नहीं जाते? भूतों की 7 सच्चाइयां। सच्चाई नंबर 1, आपको छाया दिखती है जिसे भूत समझ लेते हैं। दरअसल ये लेफ्ट टेम्पोरो पेरिटल जंक्शन का कमाल है और ये हिस्सा ऐसी छाया के संकेत आंखों तक भेजता है जिनका वजूद ही नहीं होता, जैसे अपने पीछे किसी का होना महसूस करना। सच्चाई नंबर 2, स्लीप पैरालिसिस। जब आप अर्ध निद्रा में होते हैं तब शरीर बेजान सा हो जाता है और आप अपने बदन पर कुछ चलता सा महसूस करते हैं। आप चीख भी नहीं पाते। ये एक बीमारी है, कोई भूत नहीं।
सच्चाई नंबर 3, आप सपने में भूत देखते हैं। ऐसा अक्सर रात 2 बजे से 5 बजे के बीच होता है, जब दिमाग दिन भर की चीजों के इल्यूजन बना रहा होता है। ये दिमाग की एक प्रक्रिया है, भूत या प्रेत नहीं। सच्चाई नंबर 4, ज्यादा भावुक लोगों को भूतों के दर्शन ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग वैसी ही तस्वीरें बनाता रहता है। सच्चाई नंबर 5, जहाँ पर मैग्नेटिक तत्व ज्यादा होते हैं, उस इलाके या फिर भवन में घुसते ही व्यक्ति अर्ध अचेता अवस्था में चला जाता है, तब उसे भूत प्रेत का वहम होता है। सच्चाई नंबर 6, भूत प्रेत चुड़ैल जिन सब कुछ नकारात्मक भावनाओं के अनुरूप ही दिखाई देते हैं। क्योंकि ये सवाल आप सुलझा नहीं पाते, इसलिए उन्हें पारलौकिक मानकर उनका अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं। सच्चाई नंबर 7, ब्रेन ग्लिच। जी हाँ, आप अपनी पूरी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें करते हैं या सुनते हैं जिनकी तस्वीर गाहे बगाहे दिमाग बना लेता है, और जब आप मानसिक रूप से कमजोर होते हैं तब वो तस्वीरों के रूप में आपके सामने आ जाती है। सात सच्चाइयां भूतों की। देखा जाए तो भूत कुछ नहीं, बस दिमाग का वहम है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।